व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मैं इस वेबसाइट में अरसा दराज से काम कर रहा हूँ और आपको मेरा अकाउंट वेरीफाई दिखेगा, ये देख सकते हैं आप। इस अकाउंट में जब आप $10 की अर्निंग के बराबर हो जाएंगे या पहुंच जाएंगे, तो आप जैसे ही $10 की अर्निंग तक पहुंच जाएंगे, तो वो अकाउंट इस जगह पर आपको एक रेड पट्टी या रेक्टेंगल शो करेगा। अभी मैंने आपको दिखा दिया है कि जैसे ही $10 को पहुंचे तो रेड पट्टी शो हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब ये रेड पट्टी शो हो जाए और ये लिखा हुआ आ जाए कि आपने किस तरह से अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो सकता है। तो हम चलते हैं नीचे और देखते हैं कि किस तरह से ये अकाउंट वेरीफाई होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो अकाउंट है ये किस तरह वेरीफाई होगा। आप मेरे कर्सर को देख सकते हैं कि जिधर जिधर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 में फ़ोटो विद पेपर। आप यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो लेंगे और जैसे मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में कि किस तरह से आपने अपनी फ़ोटो को हाथ में पकड़ना है, और सबसे पहले तो आपने एक A4 साइज़ का या जो कंप्यूटर वाला प्रिंट होता है उसका कागज़ अपने हाथ में किस तरह पकड़ना है और किस तरह से उसकी पिक्चर आपने बनानी है। मैं आपको भी आगे चल के पूरा अपना जो है वो एक प्रीव्यू दिखा दूँगा कि मैंने किस तरह ये अप्लाई किया और मेरा जो अकाउंट है वो विद इन थोड़ी देर में वेरीफाई हो गया। तो जी दोस्तों, देखें कि किस तरह आपने एक A4 साइज़ का पेपर लेना है और उसके ऊपर आपने अपने हाथ से जो है वो लिखना है टाइम बॉक्स। आप देख रहे हैं किस तरह टाइम बॉक्स लिखा हुआ है, आप यकीनन देख चुके हैं कि T कैपिटल है और बाकी सारे स्पेलिंग जो हैं वो टाइम के वो छोटे हैं। इसी तरह बॉक्स का B कैपिटल है और बाकी स्पेलिंग छोटे हैं, इस तरह आपने लिखना है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 में जो है वो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की आईडी, अगर आप पाकिस्तान में हो तो आपकी गवर्नमेंट की आईडी जो है उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड को आपने जो है वो एक ही फ़ोटो में उसको फोटोडॉप शॉप में या फिर कोरल ड्रा में जा के कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने अपलोड करनी है। अब जो तीसरा स्टेप है उसमें आपने अपना जो FB का लिंक है उसको डालना है। अब जो आपका FB का लिंक है वो किस तरह आप लेंगे, आप FB के अकाउंट में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप अपनी उस नेम के ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट विद इन 3 आवर्स में भी जो है वो वेरीफाई हो सकता है। अब जब 3 आवर्स में भी वेरीफाई होने की शराइत क्या क्या है ये मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि आपने अपने जो पहला स्टेप है उसको सही तरह सर अंजाम देना है, पिक्चर सही होनी चाहिए, सारा कुछ सही होना चाहिए। अब जो सबसे अहम पॉइंट है वो आपकी फेसबुक की और आपकी टाइम बॉक्स की जो पिक्चर है वो सेम होनी चाहिए, आपका नेम जो है वो भी सेम होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो आप अपना अकाउंट जल्दी ही से वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखें, मेरा अकाउंट भी तकरीबन विद इन 3 आवर्स वेरीफाई हो चुका था। मैंने जस्ट अप्लाई किया, मैंने समझ के साथ चीज़ों को अपलोड किया और मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया। तो ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, व्यूअर्स, आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।